हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद के फटे जूते। इसमें सबसे पहला जो मुख्य बिंदु ये है कि लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी पर प्रकाश डाला है। सादगी क्या थी उनकी? जब प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो लेखक देखता है कि उनका एक जूता फटा हुआ है और फटे हुए जूते जो हैं उनके तस्मे भी उन्होंने बड़ी बेतरतीबी से बांध रखे थे और उस फटे हुए जूते में से उनकी अंगुली साफ दिखाई देती थी। जब उन्होंने ऐसी हालत देखी प्रेमचंद की तो ये लेख उन्होंने लिखा। दूसरी बात, उन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में क्या बताई कि वो सादगी के साथ साथ कभी भी परिस्थितियों से समझौता करके नहीं चलते थे। अगर वो ऐसा करते तो वो शायद अमीर होते। वो सिर्फ अपने उसूलों पर चला करते थे, इसी वजह से उनका पूरा जीवन अभाव में बिता था। इस पाठ में लेखक अपने जूते का वर्णन भी करता है कि उनका जूता भी अच्छी दिशा में नहीं था, उनके जूते का भी तला घिसा हुआ था। लेकिन लेखक के विचार में और प्रेमचंद जी के विचारों में थोड़ा यहाँ फर्क नज़र आता है। लेखक कहता है कि फ़ोटो खिंचवाते समय तो किसी से जूते लेकर के पहन लेते या खरीद करके भी पहन सकते थे। समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति फैली हुई है उस पर यह निबंध एक करारा व्यंग्य है। कैसे है? इस निबंध में लेखक कहता है, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो, फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते, लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई कर देते हैं, यानी कि मांग करके कोट पहन करके दूल्हे को दिखा दिया जाता है, मांगने की मोटर से बारात निकाल देते हैं, गाड़ी मांग करके लोग बारात तक निकाल देते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ले जाती है। यानी यह व्यंग्य किया है उन्होंने, मांगने वालों पर एक व्यंग्य किया है कि कुछ लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए इत्र चौपड़ते हैं। इत्र चौपड़ कर फ़ोटो खिंचवाने का मतलब उन्हें लगता है कि उनकी फ़ोटो से खुशबू आएगी। गंदे से गंदा आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है, लेखक ये कहता है। तो वो प्रेमचंद जी का फ़ोटो का रेफरेंस लेकर के यहाँ समाज में फैली हुई दिखावे की प्रवृत्ति पर भी करारा व्यंग्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं, टोपी तो 98 में मिल जाती और जूते 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। इस प्रकार से वह दूसरी बार फिर वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पास जूते खरीदने के लिए धन नहीं था। यानी यहाँ पर वह प्रेमचंद जी की समझौता नहीं करने की प्रवृत्ति, अगर समझौता करते तो उनके पास धन होता, क्योंकि वह कभी भी पैसे वालों के लिए नहीं लिखते थे। वह केवल जो उस समय का समाज था, उनके समय का जो समाज था उसमें बहुत सारी बुराइयाँ फैली हुई थी और हमेशा अपनी पत्र पत्रिकाओं में उन बुराइयों पर ठोकर मार करके चलते थे। आर्थिक दुर्दशा के साथ साथ दिखावे की प्रवृत्ति भी यहाँ दोनों को कैच करके इस पाठ में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि लेखक जैसे लोग और साथ ही प्रेमचंद जैसे लोग जो होते हैं उनकी आर्थिक दशा उस समय अच्छी नहीं थी। बात पर्दे की आती है, यानी कि कुछ चीज़ें छुपा करके रखनी चाहिए। लेखक पर्दे को अनिवार्य समझता है। यहाँ पर वह कहता है कि जूता फटा हुआ था तो कहीं से मांग कर पहन लेते, कम से कम दिखाई तो नहीं देता। प्रेमचंद के जूते देख करके लेखक को चिंता हो जाती है, उसकी चिंता यहाँ स्पष्ट दिखाई देती है। लेखक ने फ़ोटो में जो उनकी अंगुली देखी जूते में बाहर निकली हुई, तो वो कहते हैं कि पाँव की उंगली मुझे संकेत करती हुई सी लगती है कि जिस वस्तु या विचार से तुम घृणा करते हो उसकी तरफ यह तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है। यानी तुम्हारी उंगली ये बता रही है कि ये चीज़ गलत है या सही है। प्रेमचंद ने कभी भी गलत बातों के लिए
और सुख प्राप्त करने के लिए कभी समझौता नहीं किया उन्होंने, कभी समझौता करके वो नहीं चले। उनके जीवन की यह सबसे बड़ी कमजोरी थी। यही रेफरेंस लेखक ने दिया है, उनके नायक थे गोदान, एक उन्होंने उपन्यास लिखा था उसमें उनका नायक था होरी। होरी की भी यह कमजोरी थी कि वह जीवन में अपना नेम धर्म उसने कभी नहीं छोड़ा। नेम धर्म यानी जो उसके उसूल थे, उसके नियम थे, वह उसने कभी नहीं छोड़े। किंतु प्रेमचंद की फ़ोटो में प्रेमचंद जो है मुस्कुरा रहे थे, उससे लगता है कि उनके लिए नेम धर्म कोई बंधन नहीं है अपितु मुक्ति का कारण है। यानी वो अपनी नैतिकताओं के साथ बंधे हुए हैं, उनकी नैतिकताएं उन्हें पसंद हैं और उनके लिए मुक्ति का कारण बनेंगी। यानी उनके लिए अच्छा है कि वो अपने नियमों का पालन करते हैं। जंजीर होना यानी बंधना, इस पाठ में इसका रेफरेंस भी आया है कि वो नेम धर्म को जंजीर का अभिप्राय नहीं समझते हैं, बल्कि वह नेम धर्म से चलने को, अपनी सादगी को, अपनी सरलता को, अपने जीवन का परम आनंद समझते हैं, परम सुख का कारण समझते हैं। एक और इसमें मुख्य बात आ जाती है, प्रेमचंद का अभाव भरा जीवन इस पाठ में दिखाया गया है कि किस प्रकार से उनके कपड़े और उनके जूते और उनका रहन सहन कैसा था। वो बिल्कुल सादगी से भरा था, साथ ही उन्हें लेखन के अधिक पैसे नहीं मिलते थे, आडंबर और दिखावा उसमें कहीं भी था ही नहीं। अपनी पत्नी के साथ वो फ़ोटो खिंचवाने आए थे, तब लेखक ने उनके फटे हुए जूतों को देख करके यह व्यंग्य भरा निबंध लिखा था। और साथ ही उनकी विस्तार की शैली अत्यंत अच्छी है इसमें पाठ में, और टीले का प्रयोग करते हैं। टीला जो है, टीला शब्द यहाँ पर एक आया है, टीले का मतलब होता है मार्ग में आने वाली बाधाएं। जैसे बहती हुई नदी में खड़ा कोई टीला सारे बहाव का रुख बदल देता है। जैसा कि आप जानते हैं नदी के बीच में कोई पहाड़ आ जाए तो उस नदी का रुख बदल देता है, उसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने क्या किया, सामाजिक बुराइयों के बीच में आकर के उस टीले की तरह सभी उनकी रास्ते में रुकावट वो बन गए और सामाजिक बुराइयों का मुंह मोड़ दिया। बीच में इस पाठ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो दिखावा करते हैं उन पर काफ़ी तीखा प्रहार भी किया जाता है। और साथ ही मुख्य इसकी बात जो है प्रेमचंद की समझौता नहीं करने की प्रवृत्ति है। वो समाज में जो बुराइयां फैले हुई थी उन्हें ठोकर मार करके चलते थे, इसीलिए यहाँ जूते का प्रमुख उपकरण माना गया है जीवन में उनके। ये प्रतीकात्मक रूप से उनके जूते को लेकर के लेखक यह बता रहा है कि वह अपने सारे जीवन में बुराइयों को ठोकर मारते चले आए थे और उनकी इतनी ठोकरें मारने के कारण ही उनका जूता फट गया। यानी जूता फट गए का मीनिंग है कि वो गरीब रह गए, उन्होंने बाधाओं से बचने का कभी प्रयास नहीं किया, बल्कि जो था बाधाओं से वो उलझ करके चले, इसी कारण उनके जूते फटे। और यही वजह थी कि वह आजीवन अभाव में रहे, यानी उनके पास धन नहीं था। वे हमेशा श्रमिकों के हित की बात करते थे, यानी जो वर्कर्स थे उनके हिमायती थे। पूंजीपतियों के लिए उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, समर्थन उनका नहीं किया। यदि वे पूंजीपतियों के हक की बात लिख देते तो शायद उन्हें धन मिल जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने केवल क्या किया, जो निम्न वर्ग था उसके अभाव थे उन्हीं के बारे में वह सोचते थे। प्रेमचंद जी ऐसा करते थे, इसीलिए उनके दिखावे में, उनके पोशाक में कोई भी जो है शान नहीं है, केवल शुद्धता है और सादगी है। लेकिन साथ ही वह समझौता भी नहीं करते थे, यानी आडंबर और दिखावे से कभी भी समझौता उन्होंने
नहीं किया। वो केवल एक आडंबरहीन और दिखावा विहीन जीवन जो था उसको जीना पसंद करते थे। जैसी भी पोशाक होती थी वैसे ही पहन लेते थे, कोई दिखावा वो नहीं किया करते थे। ना ही उन्होंने अपनी गरीबी को छिपाने का प्रयत्न किया, ना ही बनावटी वेशभूषा कभी धारण की। धन्यवाद।